TV9 भारतवर्ष के स्पेशल स्टूडियो में इन्फॉर्मेशन स्टेट वाइज आपके सामने है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, ये आंकड़े अब आपके सामने हैं, जहां पर देख लीजिए किस तरीके से ये वोट प्रतिशत अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किसके खाते में आंकड़ों के लिहाज से कितना परसेंटेज फैक्टर अभी नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में देख लीजिए 42.64% एनडीए के खाते में, 43.41% इंडिया अलायंस के खाते में और अन्य के खाते में 13.95% जाता नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब हम गुजरात की यहां पर इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि एनडीए के खाते में यहां 26 सीटों के लिहाज से देखिए बहुत अच्छा वोट परसेंटेज है। और यहां पर हालांकि फिलहाल सिर्फ 2 सीटें थी जहां पर देख रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस के खाते में वो जा रही थी, लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से देखिए तो 62.17% एनडीए के पास, जबकि इंडिया के पास 33.73% और अन्य के खाते में 4.10%। अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी ये इंपॉर्टेंट है कि 40 सीटों में किस तरीके से वोट प्रतिशत के जो आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं उससे साफ हो गया है कि एनडीए के खाते में 44.46% जा रहा है, जबकि इंडिया के पास 35.68% और अन्य के खाते में 19.86%। लेकिन अब ये स्टेट वाइज जहां हम बात कर रहे हैं तो बात अब राजधानी दिल्ली की भी होगी, क्योंकि 7 सीटों पर भले ही बीजेपी जिस लिहाज से अभी फिलहाल कब्जा बनाए हुए है उसमें देखें वोट प्रतिशत में एनडीए के खाते में 53.97% वोट जा रहा है, इंडिया के पास 43.47%, जबकि अन्य के खाते में 2.56% वोट जा रहे हैं। और ये फिलहाल वोट परसेंटेज आपके सामने है स्टेट वाइज, क्योंकि अब दिल्ली के साथ साथ बात हम हरियाणा की भी करेंगे जहां देखिए किस तरीके से एनडीए के खाते में 45.95% वोट गए हैं और साथ ही ये इंडिया के खाते में गए हैं 45.82। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर हरियाणा में वोट प्रतिशत के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से देखिए किस तरीके से ये शेयर गया है, जहां 45.95 एनडीए और 45.82 इंडिया के पास, जबकि अन्य के खाते में गए हैं 8.25%। वहीं अब हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए जहां पर देखिए किस लिहाज से पूरी तरीके से विनिंग फैक्टर जरूर नजर आ रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के खाते में वोट परसेंट गए हैं 56.54, जबकि इंडिया के खाते में 41.57 और अन्य के खाते में 1.89। तो स्टेट वाइज जिस लिहाज से इस वक्त हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये देखिए कि किस तरीके से स्टेट वाइज अभी ये आंकड़े प्रतिशत के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं, जहां महाराष्ट्र सलमान खुर्शीद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान खुर्शीद जी, क्या कहेंगे इस वक्त जो फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं आंकड़ों के लिहाज से इस वक्त की स्थिति को देखते हुए, आपका पहला रिएक्शन? भाई, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये स्थिति जो है बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छी है जी। और अभी अभी तो कुछ समय है और जो गैप है एनडीए और अलायंस के बीच में जो गैप है वो बड़ा छोटा गैप है जी। और वो बड़ी आसानी से कवर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस है तो इस परफॉर्मेंस के बारे में उनको, उनके नेता क्या सोच रहे हैं उनको भी गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि ये हो सकता है कि उनके पास मेजॉरिटी मार्क आ जाए, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि इतना प्रचंड बहुमत होते हुए वो यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं तो इसमें जो भारत की जनता का जो वो है रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, वो बड़ी स्पष्ट है। उनको रिजेक्ट किया है, उनको नकारा। इसके रीजंस आपको क्या लग रहे हैं? आप कह रहे हैं रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हें नकार दिया गया है और वो अपने आंकड़े को भी नहीं टच कर पाए हैं अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक। इसका रीजन बड़ा स्पष्ट है। रीजन ये है कि भारत की जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। उन्होंने ये सोचा कि हम जो अपनी पार्टी के साथ कर सकते हैं वो भारत की जनता के साथ कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भारत की जनता में अलग अलग लोगों के अलग अलग चिंताएं होती हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है और हमको सभी को साथ लेके चलना है। अगर हम सरकार बनाते हैं या कोई प्रधानमंत्री होता है तो उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। आप कुछ किसी को नकार दें, किसी को टोटली इग्नोर कर दें, किसी को दबा दें, ऐसे नहीं लोकतंत्र चला करता। ये बात उनको समझ में नहीं आई। और फिर जो विशेष चिंता की इश्यूज़ हैं, जैसे रोज़गार का मामला है, जैसे नौजवानों के लिए जिस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं बार बार और उनको जो कष्ट होता है उसका मामला है, चाहे किसानों को सही मूल्य मिलने का मामला है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, ये बहुत सारे सवाल थे, बढ़ती हुई कीमतों का मामला है, ये सब सवाल जो बढ़ते हैं। आपने इशू में इस पॉलिटिक्स पर फोकस किया कि आपको लगता है यही इस फेवर में गया है आपके जो आंकड़ों के लिहाज से हम इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं? इसके साथ और चीज़ें भी थी। मैं समझता हूँ जैसे राहुल जी ने प्रयास किया कि पिछड़े वर्ग को एक विशेष विशेष प्रकाश उन पर डाला जाए,
कि उनकी जो चिंता है, उनके जो विषय हैं, उन पर हम लोग खड़े उतरते हैं, नहीं उतरते हैं, सरकार खड़ी उतरती है कि नहीं उतरती। आरक्षण का मामला आरक्षण का मामला है, और सबसे बड़ी बात संविधान का मामला। हमारे दलित समाज के और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ये कष्ट बहुत हुआ था कि बात ऐसी हो रही है कि संविधान को बदल दिया जाएगा, और संविधान को बदला जाएगा तो अवश्य ही संविधान के का बदलाव, संविधान में कोई परिवर्तन जो है वो इन पर अच्छा असर नहीं डालेगा। ये सारी बातें थी जो मैं समझता हूँ बीजेपी ने जिसका कोई अंदाजा नहीं किया। शुक्रिया सलमान खुर्शीद जी, टीवी 9 भारतवर्ष को ज्वाइन करने के लिए तो बात कर रहे थे, और उस लिहाज से ये बात चर्चा इस वक्त की जा रही थी सलमान खुर्शीद से, जिन्होंने बताया कि क्या मेजर फैक्टर और रीजंस रहे कि यहाँ पर आंकड़ों के लिहाज से भी बीजेपी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई है। लेकिन इस वक्त जो टीवी 9 के स्टूडियो में आपके सामने हम इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं उसमें आंकड़े प्रतिशत वोट परसेंटेज के लिहाज से अब महाराष्ट्र को लेकर डेटा आपके सामने होगा, कर्नाटक को लेकर डेटा आपके सामने होगा, और बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां महाराष्ट्र में देख लीजिए किस तरीके से कांटे की टक्कर तो यहां पर चल रही है, एक टफ फाइट यहां पर देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन 48 सीटों में जिस तरीके से अभी तक आंकड़े प्रतिशत के तौर पर सामने आए हैं तो एनडी के खाते में गए हैं 43.63%, जबकि इंडिया के खाते में गए हैं 42.56%। इसी परसेंटेज के आधार पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में यहां पर अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है और अलायंस आगे है, हालांकि यहां पर अन्य के खाते में 13.81% वोट गया है। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं, हालांकि साउथ में फोकस करते हुए उन तमाम फैक्टर्स के बारे में हमारे दूसरे स्टूडियो में चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन एनडीए के खाते में यहां अभी तक देखिए 51.85% वोट जा चुका है, जबकि इंडिया के खाते में 45.28 और अन्य के खाते में 2.87% वोट गया है। वहीं बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में बहुत आसानी से यह जीत हासिल करने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन बावजूद उसके देखिए एनडीए के खाते में यहां 59.74% वोट गया है, जबकि इंडिया को मिले हैं 31.90% और अन्य के खाते में गए हैं 8.36%। तो ये स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन उस लिहाज से समझना बहुत जरूरी है जहां देखिए कि किस तरीके से वोट्स में बदलाव हुआ, और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा होती है तो पश्चिम बंगाल में भी वोट प्रतिशत के लिहाज से देखिए तो एनडीए के खाते में 37.51 गया है, हालांकि इसे अपडेट होना अभी बाकी है, और यहां पर आंकड़ों के लिहाज से प्रतिशत में अन्य के खाते में 16.09% गया है, जबकि राजस्थान में जिस लिहाज से उलटफेर हो रहा है और जिस लिहाज से यहां पर नतीजों में परिवर्तन आया है उसको लेकर चर्चा भी की जा रही है, क्योंकि यहां एनडीए के खाते में महज 50 हालांकि 50% वोट शेयर इनके पास जरूर आया है 50.33, जबकि इंडिया के खाते में 42.01 और अन्य के खाते में 7.66, हालांकि दिया कुमारी से भी इसी लिहाज से अभी चर्चा थोड़ी देर पहले टीवी 9 के स्टूडियो में की जा रही थी। अब छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े जल्द आपके सामने रखती हूँ, उसके बाद प्रतिमा आपके पास आती हूँ, क्योंकि एनडीए के खाते में यहाँ छत्तीसगढ़ में 51.92% वोट पड़ा है, जबकि इंडिया के खाते में गए हैं 41.27 और अन्य के पास 6.81। तो ये स्टेट वाइज टैली और इन्फॉर्मेशन आपके पास सामने रखी गई है, जहां देखा आपने कि किस तरीके से परसेंट के लिहाज से वोट गया है।